हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, आज हम पुदीना लगाना सीखेंगे। घर में जो हम बाज़ार से चटनी वगैरह के लिए पुदीना खरीद के लेके आते हैं, तो उसी से हम बड़े आराम से घर में पुदीना लगा सकते हैं। क्योंकि जो नर्सरी से हम पुदीना लेके आते हैं, वो उन्होंने केमिकल्स वगैरह यूज़ करके उसको ग्रो किया होता है, तो वो थोड़े दिन तो चलता है, उसके बाद में वो पहले तो दिखाई देगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो मर जाता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा घर में ही अपने आप ही पुदीना लगाती हूँ। आज मैं इसे आपको दो तरह से लगाना सिखाऊंगी, ये दोनों तरह से ग्रो हो जाता है क्योंकि मैंने इसे अपने यहाँ ग्रो करके देखा है। तो पहला तो ये कि हम जैसे ये हम बाज़ार से लाते हैं जो चटनी बनाने के लिए पुदीना, वो इस तरह से आता है, वो लोग तो रूट्स भी साथ में तोड़ के दे देते हैं। तो हमें क्या करना है कि इसके ये पत्ते हटा लेने हैं, इसके सारे नीचे के पत्ते हटा लें और ऊपर के ये दो तीन पत्ते रहने दें। तो ये इसका नोड एरिया है, इसे नोड एरिया से थोड़ा सा नीचे से ऐसे कट कर लें। तो हमारे पास ये दो पोर्शन इसके तैयार हुए हैं, हम इसे भी ग्रो करेंगे और इसको भी ग्रो करेंगे। इसमें ये थोड़ी जैसे रूट एरिया से ये थोड़ा सा सूखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसे इतने पोर्शन को काट देते हैं और नोड एरिया के जस्ट नीचे से। तो हम क्या करेंगे कि इसको पानी में भिगो के रख देंगे। ये इस तरह से मैंने ये भिगो के रखे हैं कट करके, और ये जो ऊपर का पोर्शन है हम इस तरह से काट काट के रख लेंगे और इनको हम डायरेक्टली मिट्टी में ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे दोनों तरह से उगाया है और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसमें कुछ दिन के बाद ही, करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर ही इसमें रूट्स बनने स्टार्ट हो जाती हैं और नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि ये पुदीना हमारा सही से चल रहा है। और ये वाला जो मैं पानी में भिगो के रख रही हूँ, अभी तो इस वीडियो में तो मैं आपको इसे सिर्फ पानी में भिगो के रखना ही बता रही हूँ। और इसमें देखिए, जैसे ये रूट आ रही है, पहले से आई हुई है, हम इसे जब पानी में भिगो के रखेंगे तो इसमें वाइट वाइट रूट्स आने स्टार्ट हो जाएंगी और ये करीब एक हफ्ते के अंदर ही और भी उससे भी कम टाइम में आ जाएंगी। तो ये रूट्स आने के बाद हम इसमें छेद कर कर के मिट्टी में और इसको ग्रो करेंगे। अभी हम ये वाला पोर्शन, जो ऊपर का पोर्शन है, इसमें आप सिर्फ ये दो या तीन पत्ती रहने दें, बाकी सब नीचे की रिमूव कर दें। और ग्रो करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि इसमें कम से कम ये एक नोड एरिया जो मिट्टी में दबाने के लिए हमारे पास हो। तो इसलिए नोड एरिया के जस्ट नीचे से थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से इसको कट कर लें। जैसे ये वाला इसका नोड एरिया थोड़ा ऊपर है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे ऐसे। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ तक मिट्टी में दबा देंगे, तो उससे ये हफ्ते के अंदर ही तैयार हो जाएगा। तो हम इसको, ये मेरे पास मिट्टी है, इसमें मैंने जैसे तैयार के मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने रेत, गार्डन की मिट्टी और थोड़ी सी कोकोपीट और कंपोस्ट, मेरी किचन कंपोस्ट जो बनाती हूँ, वो मिला के इसको तैयार किया है मैंने। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया। अब हम इसमें इस तरह से पेचकस की सहायता से इस तरह से होल बना लेंगे, और होल बनाने के बाद में हम एक एक पौधे को इस तरह से लगाएंगे, दबा देंगे हल्का सा और इसको ऐसे, इसका कम से कम एक नोड एरिया मिट्टी में ज़रूर दबना चाहिए क्योंकि वहीं से इसकी रूट्स ग्रो करेंगी। ये इस तरह से एक एक उठाएंगे और इस तरह से मिट्टी में लगाते चले जाएंगे। इस तरह से मैं इसे पूरा लगा लूँगी। और रही इसकी बात, तो इसको जब एक वीक के बाद में इसकी जड़ें निकल आएंगी, तो मैं आपको इसका अपडेट अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अब हमने जो ये लगाए हैं, इनको थोड़ा सा पानी दे देंगे, मैं ये बाद में कंप्लीट कर लूँगी पूरा। और इनको हम किसी छायादार जगह में रख देंगे। आजकल जैसे रेनी सीज़न है, तो रेन से भी इसको बचा कर रखना है, नहीं तो ये सब ब्लैक हो जाएंगे। तो इसके हम छायादार जगह में रेन से बचा के, धूप से बचा कर अभी रखेंगे और ये एक हफ्ते के अंदर ग्रो कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह से आप भी अपने घर में पुदीना लगाइए। आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, आपको फ्री में खूब ढेर सारा पुदीना खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि पुदीना हमारे हर घर की ज़रूरत है। इसे पराठों में, रायते में, अपने पानी पूरी के पानी में, सब तरह से यूज़ करते हैं, कुछ मोइतो बनाते हैं।
तो और वैसे भी इसकी खुशबू जो है वो सभी को पसंद आती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने घर में ग्रो कीजिए और बहुत ईजी है इसको ग्रो करना। ओके फ्रेंड्स बाय।